धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मरावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9425046807। चैत्र नवरात्रि आते ही प्रसिद्ध गणगौर पर्व की मचती है धूम। माता की भक्ति में जमकर लीन होते श्रद्धालु। भुतड़ी अमावस्या पर्व पर प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर में लगा भक्तों का तांता। धार जिले के आखिरी छोर पर बसे कोटेश्वर तीर्थ में आज भुतड़ी अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर में स्नान कर पूजन के लिए आते हैं। बता दें कि भुतड़ी अमावस्या को लेकर जनमानस में यह भावना है कि इस दिन माँ नर्मदा के जल में स्नान करने से भूत प्रेत जैसी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। वैसे तो माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सभी दोषों का नाश हो जाता है। भुतड़ी अमावस्या पूर्वजों के समय से मनाई जा रही है। आज से गणगौर माता की पूजन कर घर घर माता का झालरिया गाया जाएगा। कोटेश्वर तीर्थ में पहली बार इतने श्रद्धालु सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर के कारण, हरण फाल घाट और कई घाट जलमग्न होने के कारण कोटेश्वर में लगी भीड़। इधर भुतड़ी अमावस्या को प्रतिवर्ष पुलिस बल पहले से होता था मुस्तैद, मगर इस वर्ष मात्र 4 जवानों के भरोसे रहा, जिसके कारण रोड के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग गई। कई घंटे लगा रहा जाम। समाज सेवियों ने की मदद। जाम में लोग खेतों से गाड़ियां निकालते नजर आए। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।